नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर जोसेफ वापस आ चुका हूँ एक बेहतरीन प्रोडक्ट पे वीडियो लेकर। बहुत वक्त से लोग हमसे चाह रहे थे कि इस प्रोडक्ट पे खासकर एक वीडियो बने ताकि सारी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचे। और ये प्रोडक्ट है टाइंस का जिमनेमा, या पूरा कहें तो जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे कैप्सूल। अब इस प्रोडक्ट की ज़रूरत इंडिया में फ़िलहाल 45% लोगों को ज़रूर है, क्योंकि 45% लोगों को डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी हो चुकी है और लोग इससे ग्रसित हैं। ये प्रोडक्ट खासकर इन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। हर बार कोई ना कोई नया इलाज डॉक्टर्स के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ रही है, लेकिन कोई ना कोई और शिकायत शरीर में शुरू हो जा रही है। नसों की शिकायत है, कुछ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियां हो चुकी हैं डायबिटीज़ के बाद, कुछ लोगों को ब्रेन से जुड़ी बीमारियां हो चुकी हैं। अक्सर ये देखा गया है कि डायबिटीज़ से लोग घबराते भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब उसकी इलाज करने की बारी आती है तो लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर हम प्राकृतिक इलाज करवाएंगे तो हमें बहुत सारे परहेज़ रखने पड़ेंगे, हमें खाने की चीज़ें बंद कर देनी पड़ेंगी, हमें फल खाने पड़ेंगे। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आज ये वीडियो हम लोग आपके लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप तक हर एक जानकारी सटीक तौर से पहुंचाई जा सके। हमारी कोशिश है कि इस वीडियो के दौरान आपके मन में जितने प्रश्न उठने वाले हैं मधुमेह को लेकर, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर मिल जाएगा। हमारा प्रोडक्ट टाइंस का जिमनेमा या जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे खासकर डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह की बीमारी के लिए बना हुआ है, और हर एक तरीके से ये आपके शरीर को स्वस्थ भी करेगा और आपको इस बीमारी से खींचकर बाहर भी निकालने में मदद करेगा। जिमनेमा के बारे में जब आप जानने की कोशिश करें तो एक बहुत ही प्रचलित जड़ी बूटी है जिसको भारतवर्ष में बहुत सालों से उपयोग में लाया गया है। गुड़मार भी इसको कहा जाता है, लेकिन अक्सर देखा गया है मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिसमें इसका प्रयोग है, लेकिन खास बात क्या है कि पत्ते का एक्सट्रैक्ट लेकर दे दिया गया है, लेकिन हमारा जो इंसानी शरीर है डायरेक्टली उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाता है। इसी वजह से दवाइयों में इसका असर बहुत ही कम देखा जाता है। तो टाइम्स ग्रुप ने क्या किया, इस पे पूरी रिसर्च करी, इस जड़ी बूटी पर काम करके ये पाया कि हमारे शरीर को जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो एक अलग रूप में इसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं जिमनेमिक एसिड। अब जिमनेमिक एसिड ही हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है, लेकिन अक्सर जो कि बाकी दवाइयों में देखा जाता था कि जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे को ही डायरेक्टली दे दिया जाता था, तो लोग ये कहते थे कि भाई कैप्सूल खाने से अच्छा है क्यों ना हम पेड़ के 2-3 पत्ते खा जाएं। तो ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने करके देखा कि गुड़मार के पत्ते खाने लगे, लेकिन उससे ये होता था कि उनको मीठे का टेस्ट कम आता था, डायबिटीज़ का लेवल उतना ही रहता था। तो सबसे खास बात, इस कंपनी ने रिसर्च करी, पूरी तरीके से इस प्रोडक्ट को बनाया और ये देखा कि जिमनेमिक एसिड वो रूप है जो हमारे शरीर की कोशिकाएं इस्तेमाल कर पाएंगी पूरी तरीके से शुगर या ग्लूकोज की मात्रा को शरीर में कम करने के लिए। अब डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा मेजरली डिवाइड हो जाता है 2 ग्रुप्स में, एक है टाइप 1, टाइप 2, और तीसरा जो आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये औरतों को प्रेगनेंसी यानी कि गर्भधारण के तौर पे, गर्भधारण के वक्त हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है हर औरत को ये होगा। तो ये एक ऐसा वेरिएंट है कि भाई कभी हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन मेजरली पाए जाते हैं 2, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कहने का मतलब आपका खुद का शरीर आपके खिलाफ काम करने लगता है। आपके पैंक्रियाज में पाए जाने वाले ऐसे सेल, ऐसी कोशिकाएं जो इंसुलिन को बनाती हैं, उनको ख़त्म करता रहता है आपका शरीर। इसी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ को आप कभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका शरीर ही आपके खिलाफ काम कर रहा होता है। तो हमारा जो काम सबसे ज़्यादा रहेगा वो होगा टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों को ठीक करना, उनको अलग अलग बीमारियों से बचाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटीज़ में सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा, आपको बाकी आने वाली बीमारियों से शरीर को बचाए रखना पड़ेगा।
और इनकी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से मिलेगी। जब हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कुछ कुछ चीज़ें शो हो रही हैं। वेट लॉस यानी कि वज़न का बहुत अधिक कम हो जाना, बहुत ज़्यादा थकान हो जाना, पेशाब का बार बार आना, तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हो जाती हैं। शरीर अंदर से अंदर कमज़ोर होता रहता है, होता रहता है। जब आप टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो और बहुत सारे आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे। शरीर में अलग तरीके से खुजली हो जाना, एकाएक बहुत सारी खुजली होना, चोटों का धीमे धीमे ठीक होना, पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार बहुत ज़्यादा खाना खाने का मन करना, बार बार आपका मुंह का सूख जाना, तो ऐसे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आपके शरीर आपको दिखाने की कोशिश करता है कि कोई ना कोई शिकायत शरीर में स्टार्ट हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर हम इनको नज़रअंदाज करते हैं तो ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, जानना ये ज़रूरी है कि डायबिटीज़ में अगर आपका ग्लूकोज का लेवल यानी कि ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो क्या हो सकता है। हम जब भी कोई भी खाने की चीज़ खाते हैं तो भाई उसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, उसी ऊर्जा पे हमारा शरीर काम करता है। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ग्लूकोज से, क्योंकि हमारी पूरी पाचन क्रिया हमारे खाने को धीमे धीमे तोड़कर उसमें से ग्लूकोज फॉर्म करती है और उसी पे हमारा पूरा शरीर काम करता है। अब अगर किसी भी कारणवश इस ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ जाए, क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपका जो इंसुलिन है वो आपके ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अब ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो दिक्कत हो सकती है, ग्लूकोज बढ़ता जाएगा। अगर यही ग्लूकोज खून में बढ़ता गया तो खून का गाढ़ापन ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब गाढ़ा खून जैसे ही हो जाएगा तो सबसे पहले दिक्कत आएगी आपके दिल की मांसपेशियों को, क्योंकि उसको एक गाढ़े खून को पंप करने में दिक्कत होगी। दूसरी दिक्कत आएगी आपके शरीर की किडनीज को, क्योंकि उसको फिल्टर करने में यानी कि छलनी करने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से आपके शरीर की दो मेजर सिस्टम्स यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों ही डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, सबसे खास बात, अगर आपका ग्लूकोज का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है तो एक डॉक्टर से मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। इसको गलती से भी नज़रअंदाज ना करें। अब दूसरी खास बात, अगर ग्लूकोज की मात्रा इसी तरीके से बढ़ती गई और खून का गाढ़ापन बढ़ता गया तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि स्ट्रोक यानी कि आपको एक अटैक, सीवीए अटैक यानी कि स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक होने की संभावना 2 से 4 गुना बढ़ सकती है। कहने का मतलब आपका दिमाग कोमा में जा सकता है, आपका आधा शरीर पैरालाइज हो सकता है। तो इस वजह से दोस्तों, डायबिटीज़ को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। डायबिटीज़ एक ऐसी सिचुएशन है जो आपके शरीर को बहुत घातक बीमारियों तक पहुंचा सकती है। आप बेहोश हो सकते हैं, आपका खून का बहाव दिमाग की तरफ एकदम ठहर सकता है, जिसकी वजह से आप कभी भी कहीं भी, हो सकता है कभी गाड़ी चलाते वक्त इंसान बेहोश हो सकता है, रोड पे इंसान बेहोश हो सकता है, ट्रैफिक के बीच में बेहोश हो सकता है, सीढ़ियों पे बेहोश हो सकता है। तो इसलिए अगर आपके परिवार में किसी भी जन को डायबिटीज़ की शिकायत है तो उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी खास बात, डायबिटीज़ आपकी आँखों को भी डैमेज कर सकता है, आँखों को ख़राब कर सकता है, ग्लोकोमा जैसी बीमारियाँ कर सकता है, रेटिनोपैथी यानी कि डायबिटीज़ का बुरा असर आपकी आँखों की नसों पे पड़ सकता है, आँखों का जो पर्दा होता है वो डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से देखना मुश्किल हो सकता है, ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद ऐसी बीमारियाँ आपकी आँखों में हो सकती हैं मात्र ग्लूकोज लेवल के बढ़ने की वजह से। इसीलिए ध्यान रखिएगा, डायबिटीज़ का एक प्रॉपर इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डायबिटीज़ दिल की बीमारियों का रिस्क ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ा देता है। कहने का मतलब, अगर किसी इंसान को आपके परिवार में डायबिटीज़ की शिकायत है तो भाई 4 गुना संभावना है कि उनको दिल की बीमारी हो सकती है। तो इसलिए मत भूलिएगा उनका रेगुलर चेकअप करवाना और साथ में जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे का इस्तेमाल करना।
इन्फेक्शंस की बात करें या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे हमारे शरीर को अलग-अलग बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, कहने का मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते बीमारियाँ हो जाना, इन्फेक्ट हो जाना, बार बार पेशाब के रास्ते जलन या पेशाब के रास्ते से खून आना, तो इन संभावनाओं को गलती से भी नकारिएगा मत। दूसरी खास बात, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की बीमारियां हो जाना, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां हो जाना, आपकी वो नसें जो रीढ़ से निकल के आपके हाथों और पैरों की तरफ जाती हैं उनका कमज़ोर हो जाना या फिर उनका इन्फ्लेम हो जाना, उनका दब जाना, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मात्र डायबिटीज़ की वजह से हो सकती है। दूसरी खास बात, डायबिटीज़ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप हमेशा ऊर्जा के स्रोत को खोजेंगे, कहने का मतलब आपका शरीर हमेशा कम ऊर्जा के लेवल पर महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा खाना खाया है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऊर्जा कम हो रही है। मैं सुबह अच्छा नाश्ता करके घर से निकल रहा हूँ लेकिन दोपहर होते होते शरीर एकदम कमज़ोर हो रहा है, शरीर टूट रहा है। तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिनसे आपका शरीर आपको संकेत देगा कि बीमारी का बुरा असर आपके शरीर पे होने लगा है। अब इसी तरीके से अगर ग्लूकोज की बात की जाए, ग्लूकोज जब खून में बढ़ जाएगा तो वो अपने साथ और बाकी चीजों को जोड़ने की भी कोशिश करता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी आपके खून में ट्रैवल करता है, कोलेस्ट्रॉल भी आकर उस ग्लूकोज के साथ जमने लगेगा और धीरे धीरे आपके खून की नलियों में थक्के यानी कि क्लॉट्स जम जाएंगे, तो उनसे बचना भी इंसान के लिए मुश्किल हो सकता है। दूसरी खास बात, अब हम आज जिमनेमा के बारे में जो इतना बात कर रहे हैं, क्या आपको ये बचा सकती है? बिल्कुल सही बात है, ये एक प्राकृतिक इलाज है, ये आपको डायबिटीज़ की सिचुएशन से बचा भी सकती है, साथ साथ डायबिटीज़ से होने वाली मेजर तीन बीमारियां उनसे बचा सकती है। सबसे पहला है डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि आंखों का खराब हो जाना, दूसरा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि आपकी किडनीज का खराब हो जाना, और तीसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि आपकी नसों का खराब हो जाना। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, हर इंसान कोशिश करता है कि भाई मैं गोली खाता हूँ और अपने ग्लूकोज को कंट्रोल में रखता हूँ। बिल्कुल सही बात है, आप गोली खाकर अपने ग्लूकोज को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी केमिकल आपके शरीर को, आपकी आँखों को, आपके नसों को, आपकी किडनीज को डायबिटीज़ के बुरे असर से नहीं बचा पाएगा। उसके लिए एकमात्र प्राकृतिक चीज़ है जिसको हम कहते हैं जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे। जिमनेमा की खास बात यह है कि ये प्राकृतिक तरीके से आपकी नसों को, आपकी किडनीज को और आपके दिल की मांसपेशियों को मजबूत भी करती है, डायबिटीज़ की बीमारी से बाहर निकालने में आपकी मदद भी करती है। दूसरी खास बात, आज के वक्त में डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट यानी कि बुरे संभावनाओं से बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इंसान डायबिटीज़ से परेशान नहीं है, हर इंसान परेशान है कि डायबिटीज़ की वजह से इतनी बीमारियां हो चुकी हैं, उसका इलाज कैसे होगा? तो दोस्तों, खास बात यह है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी है तो उनको ज़रूर ये प्रोडक्ट यूज़ करवाइए, क्योंकि आप चाहेंगे कि आपके परिवार वाले डायबिटीज़ से और डायबिटीज़ से होने वाली बाकी सारी बीमारियों से बच के रहें, क्योंकि यही सच में एक प्रिवेंशन यानी कि असली बचाव कहलाएगा। दूसरी खास बात, जिमनेमा के साथ, जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे के साथ जो हमने इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, जो चीज़ यूज़ किया वो है क्रोमियम पिकोलिनेट, जो कि इसको एक्टिवेट करता है जिमनेमिक एसिड के फॉर्म में और आपका शरीर उसका पूरा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, डायबिटीज़ का हर एक केस अलग होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरा डायबिटीज़ और मेरे पड़ोसी का डायबिटीज़ सेम है तो हम लोग सेम दवाइयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हर इंसान को डायबिटीज़ के साथ कोई ना कोई अलग कॉम्प्लिकेशन आती है, हर इंसान डायबिटीज़ के साथ कुछ ना कुछ अलग चीज़ के साथ जूझ रहा होता है, हर इंसान डायबिटीज़ के साथ किसी ना किसी और बीमारी का इलाज ज़रूर करवा रहा होता है, इसीलिए हर डायबिटीज़ का केस एक यूनिक केस होता है। तो मैं चाहूँगा दोस्तों, जो हमारी आने वाली स्लाइड होगी उसको आप ज़रूर गौर से देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी कि अलग अलग कंडीशंस में किस तरीके से आप जिमनेमा का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे अलग अलग प्रोडक्ट के साथ, जिसमें जिस इंसान को जो दिक्कत होगी उस हिसाब से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। दूसरी खास बात, इसको लेने का तरीका बहुत आसान है,
आप सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल ले सकते हैं। शुरुआत आप एक कैप्सूल से कीजिए और धीरे धीरे जिस तरीके से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आता है उसके हिसाब से आप डोसेज को बढ़ाइएगा। अब ये कैप्सूल आपके शरीर में जब जाएगा तो सबसे पहले हफ्ता 10 दिन लेगा एडजस्ट करने के लिए, आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा, लेकिन उसके कुछ दिन बाद इसका खास काम चालू हो जाएगा जो कि आपके शरीर को अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग बीमारियों से बचाना, आपके शरीर की थकान, आपके शरीर की सुस्ती, आपके शरीर में बेवजह पेशाब का बहुत ज़्यादा बनना, आपके शरीर में बेवजह ड्राइनेस आना, आपको बहुत ज़्यादा महसूस होना कि प्यास लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना कि भाई मेरे को मीठा खाना है, मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, सबसे पहले उस चीज़ को भी कम करने में मदद करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि सर मैं कंट्रोल तो करना चाहता हूँ लेकिन अंदर से मुझे इतना मन करता है मीठा खाने का कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये जिमनेमा सिल्वेस्ट्रेस सबसे पहले इस पर भी काम करेगा और फ़ायदा पहुँचाएगा। दूसरी चीज़, एक बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत ही प्राकृतिक प्रोडक्ट है, न्यूट्रास्यूटिकल्स रेंज में ये प्रोडक्ट आता है, हर इंसान इसका सेवन कर सकता है। अगर किसी इंसान की कोई फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की तो वो इंसान एज अ प्रिवेंटिव मेजर भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, एक टैबलेट डेली खा सकता है। अगर किसी को कभी हल्का फुल्का फीवर या बुखार भी आ जाता है तो भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक तरीके से आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखता है। और जिमनेमा की खास बातें हैं बहुत सारी, एक वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, लेकिन हम ओपन हैं आपके कमेंट्स के लिए, आपके सजेशंस के लिए, आपके सवालों के लिए। आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपने सजेशंस, अपने सवाल ज़रूर हमें पुट फॉरवर्ड कीजिए, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरी खास बात, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू। और आई थिंक आप ज़रूर इसको सबसे ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो भी इंसान डायबिटीज़ की कंडीशन से जूझ रहा है एक बारी ज़रूर हमसे बात करें, हमसे मिलने की कोशिश करें, हमसे ये प्रोडक्ट यूज़ करने की कोशिश करें, इसके बारे में पूछे, हम सारे सवालों के जवाब देकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। बाकी उम्मीद करते हैं अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपके बहुत सारे कमेंट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।